मृत्युंजय जी, अब तो बीजेपी वाले गिरिराज सिंह सीधे नाम ले रहे हैं आरजेडी का, ये कहते हुए कि दरअसल इन युवाओं की आड़ में अगर आगजनी हिंसा की तस्वीरें हो रही हैं तो आरजेडी अपने लोगों को भेजकर वहां पर उपद्रव फैला रही है, इसके लिए आरजेडी जिम्मेदार है। क्या होगा इस पर जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, आंदोलनकारियों को बदनाम करने की साजिश निंदनीय है। हम मांग करते हैं सरकार देर ना करे और इस तरह से आंदोलनकारी नौजवानों का मनोबल नहीं तोड़े, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे। एक तो अग्निपथ योजना के माध्यम से, अग्निपथ नाम ही है आग का रास्ता, और मोदी जी की सरकार ने तो सचमुच में पूरे देश में ही आग का रास्ता तैयार कर दिया है। नौजवानों की पीड़ा को समझिए, जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं, सारे नौजवान पूरे देश में आज आंदोलन कर रहे हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है, उनका धैर्य जवाब दे रहा है। ये नौजवान जिस आस में, जिस उम्मीद में बैठे थे कि हमारी भर्ती होगी सेना में, इन्होंने तैयारी किया, आज आप इस तरह का क्रूर मजाक कर रहे हैं कि 4 वर्षों के लिए वो जाएंगे, 4 वर्षों के बाद फिर आकर वो क्या करेंगे, फिर बेरोजगारी की मार से वो परेशान होंगे, पूंजीपतियों उद्योगपतियों के यहाँ फिर वो ठेके पर काम करेंगे, हवलदार और चौकीदार बनेंगे, पहरेदारी करेंगे। सर आपको पता है कि इन युवाओं को सेना में जाना है, फौज में जाना है, जो ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, चोटिल कर रहे हैं दूसरों को, पहले सेना में वो जाएंगे कैसे, उनका तो रास्ता ही बंद कर दिया। और अगर इनके ऊपर किसी भी तरह के चार्जेस जब नौजवानों के जीवन में उनके भविष्य, वो सेना में नहीं जा सकते, भविष्य पर ही ग्रहण लगा दिया, समझाना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? युवाओं में तो स्वाभाविक आक्रोश है। सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी तक युवाओं से क्यों नहीं अपील कर रहे हैं, इसके लिए तो ठीक है, आपको लगता है पीएम अपील करेंगे तो उसका असर होगा। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है अग्निपथ योजना पर, कांग्रेस पार्टी की ओर से चिट्ठी लिखी गई है अग्निपथ योजना को लेकर, लगातार राहुल गांधी भी हमलावर हैं। इन सबके बीच रक्षा मामले की स्टैंडिंग कमेटी को कांग्रेस पार्टी की ओर से ये चिट्ठी लिखी गई है, अग्निपथ भर्ती योजना नहीं बल्कि एक छलावा है। केसीयू वेणुगोपाल की स्टैंडिंग कमेटी को ये चिट्ठी लिखी गई है, आपात बैठक भी बुलाने के लिए कहा गया है इस पूरे मामले पर। अग्निपथ योजना पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर यह चिट्ठी लिखी गई है, कांग्रेस ने यह चिट्ठी लिखी है। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, इस पर सीधे आपकी टिप्पणी। सरकार कभी सेना का सम्मान नहीं कर सकती बीजेपी की सरकार, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। कांग्रेस हमेशा से भारतीय सेना आर्म फोर्सेस पे शक करती आई है, उन्होंने कभी भारतीय सेना का मान सम्मान नहीं कराया, चाहे वो वन रैंक वन पेंशन हो, चाहे वो अलग अलग सर्जिकल एयर स्ट्राइक्स हो, कभी भी हर बार सबूत मांगते हैं। और अब इतना बड़ा निर्णय अगर भारत की सेना आर्म फोर्सेस ने लिया है कि किस तरह से अलग अलग जो समस्याएं भारतीय सेना के सामने हैं उनका सामना, उनका सोल्यूशन निकालते हुए जो योजना लेकर आए हैं उसके ऊपर मात्र 2 दिन हुए हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं कर रहे, ये दिखाता है कांग्रेस की मानसिकता। उसमें कुछ करा नहीं जा सकता, इसीलिए उनका सफाया हो रहा है, उस बात को छोड़िए। मैं एक और इसमें स्पष्ट करना चाहता हूं, जो कमांडर जीजे सिंह ने जो कहा उस बात को कि जो मान सम्मान की बात है, ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के लिए भारतीय सेना में कई सालों से चल रहा है और वो अपनी 5 साल की सर्विस जो मिनिमम होती है वो करके जब समाज में जाते हैं तो उनका एक मान सम्मान रहता है कि उन्होंने भारत की सेना के अंदर अपनी सर्विसेज दी है। उसी तरह अब एक के बदले 3, मैं कह रहा हूं क्योंकि 3 गुना इनकी जो रिक्रूटमेंट है उसको बढ़ाया जा रहा है, जहां आमतौर पे 1 नौजवान को एक सर्विस देने का मौका मिलता, आज उसके बदले में 3 को जाने का मौका मिल रहा है। अग्निपथ योजना के अंदर अग्निवीरों की संख्या बढ़ाई जा रही है तो 3 गुना रिक्रूटमेंट होगा अभी अगले 90 दिन के अंदर। ये रिक्रूटमेंट होने वाला है। समझ क्यों नहीं पा रहे हैं राज्यवर्धन जी, आप लोगों की बात, इन युवाओं को जो आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनको समझ में क्यों नहीं आ रही है? देखिए, ये सबसे पहले तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने तुरंत एक निर्णय लिया कि 21 से 23 ये एक ऐसा ब्रैकेट था जिन्होंने रिक्रूटमेंट जिनका मिस हो गया था कोरोना के समय, तो बहुत से नौजवान हैं जिनको इससे राहत मिलेगी। लेकिन ये जो भड़काऊ जो भाषण दे रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे कुछ प्रवक्ता भी बोल रहे हैं या जो इनके नेता बोल रहे हैं, एक भी ऑपोजिशन के लीडर ने अपील नहीं करी है
कि ये जो राइटिंग है, जो जलाने का जो सिलसिला चल रहा है, इसको अरे थम आपके रोक साथ दिया वाले जाए, ही नहीं समझ रहे हैं, जेडीयू इसीलिए को पहले समझाइए, विपक्ष को तो तब समझाएंगे ना राज्यवर्धन जी। वहीं से विरोध की आवाज एनडीए के भीतर से ही अगर उठेगी तो फिर आम लोगों तक अपनी आवाज को आप कैसे पहुंचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन एक बार फिर से जेडीयू बीजेपी की बिहार में सरकार है, और जरा बिहार का एक आंकड़ा रखते हुए ब्रेक पर मैं जाना चाहूंगी। माधव आनंद जी मित्रा आप गौर जी, से सुनिएगा, क्योंकि एक बार भी आपने नहीं बताया कि बिहार में अगर मित्रा सबसे जी ज्यादा आगजनी हुई है तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, वो मैं आपको बताती हूं और पूरा देश इस बात को जानेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस के एक शोध के मुताबिक बिहार के कुल परिवारों में से आधे परिवार का कोई ना कोई सदस्य रोजी रोटी के लिए राज्य से बाहर पलायन करता है। यह बात आपको बतानी चाहिए। इस अध्ययन के मुताबिक बिहार से पलायन करने वाले लोगों में से 80% लोग या तो भूमिहीन होते हैं या उनके पास 1 एकड़ से भी कम की जमीन होती है। माधव आनंद जी 85% लोगों ने 10वीं तक की पढ़ाई भी नहीं की होती है। 90% लोगों को अकुशल मजदूर का काम मिलता है, और इन लोगों की पलायन करने से सालाना औसत आमदनी 26,020 रुपए ही होती है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इस वजह से बिहार में इस तरह की स्थिति है माधव आनंद जी। और अगर इतने सालों से वहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, कभी बीजेपी के साथ कभी आरजेडी के साथ, तो सोचना चाहिए कि कमी इतनी ज्यादा क्यों है वहां पर कि छात्र उतरता है सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर, और उसकी मांगों को समझा पाने में आप लोग कामयाब क्यों नहीं हुए। पहले कभी नहीं हुआ।